अवंतिका तो तीर्थ ही है, और यहाँ जितने भी स्थान हैं देवियों के, देवताओं के, भगवान स्वयं महाकाल के, तो महाकालेश्वर भगवान का जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है, ये ज्योतिर्लिंग तीर्थ ही है, अवंतिका भी तीर्थ है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वता हमारे यहाँ शमशान के लिए है कि शमशान को भी चक्र तीर्थ के रूप में माना जाता है, ऐसी इसके लिए एक मान्यता है, एक कथा है। ये कथा में हमने ऐसा सुना है कि जब पांडव और कौरव का युद्ध हुआ और उसमें कर्ण जो शहीद हुए, तो भगवान ने कहा कि इनको ऐसी जगह पे जलाया जाए जहाँ कहीं भी कोई पाप ना हुआ हो। तो पृथ्वी पे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा मोटा पाप हुआ हो। इसलिए अवंतिका में जब फिर उनके दूध आए और देखा, तो यहाँ अवंतिका का जो शमशान है, इस शमशान में ऐसा प्रतीत हुआ कि इनको यहाँ इनकी देह को, कर्ण की देह को जलाया जा सकता है। लेकिन फिर भी भगवान स्वयं विष्णु ने, जो कृष्ण के रूप में अवतारित थे, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को यहाँ भेजा और उनकी देह को सुदर्शन चक्र पे रख के उसका दाह संस्कार किया। ऐसी एक कथा पौराणिक हमने सुनी है और कई मर्तबा इसका ये उल्लेख भी आता रहा है। इसलिए इस तीर्थ को चक्र तीर्थ के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि कर्ण का जो दाह संस्कार हुआ वो ऐसा माना जाता है कि अवंतिका में, और हमारे यहाँ जो शमशान है चक्र तीर्थ, इसमें हुआ।